साईंराम दोस्तों, और मैं अनिल पहल आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं साईं बाबा की पुरानी शिरडी, कि साईं बाबा अपने टाइम पे कैसे भक्तों के साथ रहा करते थे। इस वीडियो में हम साईं बाबा और उनके भक्तों की पूरी लाइफ स्टोरी आपको दिखाने वाले हैं। तो ये मेन एंट्री गेट है, यहाँ से आपको 150 रुपये पर पर्सन टिकट लेनी है, उसके बाद ही आपको अंदर पुरानी शिरडी में जाने देंगे। जैसे ही आप मेन गेट के अंदर घुसेंगे तो इसी काउंटर से आपको टिकट लेनी है। ये देखिए, मैं आपको टिकट दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हम टिकट लेके एंटर कर चुके हैं पुरानी शिरडी में, और अभी आपको भी दिखाने वाले हैं बाबा और उनके भक्तों की पूरी लाइफ स्टोरी। तो चलिए, आप सभी भक्तों को लेके चलते हैं साईं बाबा के द्वारे, साईं बाबा की उसी पावन शिरडी में जहाँ पे साईं बाबा अपने भक्तों के साथ रहा करते थे। साधु कहो, महात्मा कहो, संत कहो या फकीर, जब साईं शिरडी में आए बदली सबकी तकदीर। औरंगाबाद जिले में एक धूपखेड़ा गांव है, वहाँ के सरपंच चांद भाई की बीवी के भाई के लड़के की शादी शिरडी गांव में तय हुई। उसी बारात में बाबा भी शामिल होकर शिरडी गांव में खंडोबा मंदिर के आगे पहुँच गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। यहीं पे खड़े हुए खंडोबा मंदिर के महापुजारी श्री महालसापति जी की नज़र जब बाबा जी पर पड़ी तो इनके मुख से दो ही शब्द निकले, आओ साईं। तब से बाबा का नाम साईं बाबा हो गया। शिरडी गांव में कुल 18 जातियां थीं, जिनमें से एक जमात है जिनका व्यवसाय मुर्गा पालन था। इनके घर कुछ इस तरह के रहते थे। ये है हरिदास, इनको शिरडी के वासुदेव के नाम से भी जाना जाता था। इनका काम था ब्रह्म मुहूर्त, मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह सभी शिरडी वासियों को अपने भजन कीर्तन से जगाना, और ये भजन गाते हुए पूरे शिरडी गांव का भ्रमण करते थे। उस टाइम के लोग सुबह सुबह जंगल जाते थे और वहाँ से लकड़ियाँ लेके आते थे, फिर उन्हें कुल्हाड़ी से काटते थे ताकि उन्हें भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और साथ ही घर की महिलाएं गाय में भैंस के गोबर से उपले बनाती थी, जिनसे भोजन बनाने के लिए चूल्हे में आग जलाई जाती थी। ये है शिरडी गांव की चावड़ी, जिसका मतलब होता है पंचायत घर। शिरडी गांव के सभी पंच यहीं बैठते थे और गांव की हर समस्या को यहीं हल किया जाता था। उस टाइम पे किसी को भी थाने चौकी जाने की ज़रूरत नहीं थी, इस चावड़ी में सब गांव वालों का न्याय मिलता था। बाद में यह चावड़ी गांव वालों ने साईं बाबा को डोनेट कर दी थी, और वो इसलिए क्योंकि 9 दिसंबर 1910 को शिरडी गांव में इतनी बारिश आई कि पूरे गांव में पानी भर गया। साईं बाबा द्वारका माई में रहते थे और वहीं सोते थे, पर उस दिन द्वारका माई में भी पानी भर गया था, जिसकी वजह से गांव वालों ने साईं बाबा को चावड़ी में सोने को कहा। तब से साईं बाबा ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया, वो एक दिन चावड़ी में सोते और एक दिन द्वारका माई में, और तब से ही साईं पालकी की प्रथा भी चालू हो गई। और यहाँ दिखाया गया है बायजा माँ का घर। शिरडी गांव एक जंगली इलाका था और साईं बाबा जंगल में किसी भी पेड़ के नीचे ध्यान लगा के बैठ जाते थे, तो बायजा माँ हमेशा बाबा को जंगल में ढूंढती थी और उनके लिए भोजन बना के ले जाती थी और बाबा को अपने हाथों से खिलाती थी। कई बार साईं बाबा गुस्से में भोजन खाने से मना भी करते थे तो बायजा माँ उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाती थी, और हमेशा साईं बाबा को भोजन खिलाने के बाद ही बायजा माँ अपना भोजन ग्रहण करती थी। उसके बाद साईं बाबा ने बायजा माँ को माँ का दर्जा दे दिया था, और सभी गांव वाले इन्हें बाबा की मुँह बोली माँ बोलते थे। यहाँ पे दर्शाया गया है कि घर के किसान खेतों में गए हुए हैं और उनकी औरतें इकट्ठे बैठ के सेवैयाँ बना रही हैं। साईं बाबा को सेवैयाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी, और बाबा जी की एक भक्त थी लक्ष्मी बाई, जो हर शाम को बाबा जी के लिए सेवैयाँ बना के ले जाती थी। ये भी बाबा जी के एक भक्त हैं, भाऊ महाराज कुमार, इनका काम था माटी के मटके बनाना। साईं बाबा ने एक बाग बनाया जिसमें हमेशा पानी देना होता था। साईं बाबा हमेशा इनसे दो मटके लेके जाते थे और पानी भरते थे, और गुरु स्थान के पास नीम के पेड़ के नीचे मटके तोड़ देते थे, और यही सिलसिला 3 वर्ष तक चलता रहा। ये बाबा जी को 3 वर्ष तक प्रतिदिन 2 कच्चे मटके देते रहे। बाबा जी उसका इस्तेमाल पानी भरने के लिए करते रहे और शाम को तोड़ते रहे। अब क्यों तोड़ते थे, ये तो साईं बाबा की लीला वही जाने,
परंतु बाबा जी नगद पैसे दे के दो मटके लेते थे, जिससे भाऊ महाराज की आर्थिक स्थिति 3 वर्ष में बहुत अच्छी हो गई थी। ये बाबा के ऐसे भक्त हैं जो शिरडी की सभी गलियों में फिर के सभी भक्तों को मूंगफलियाँ खिलाते थे और अभी पेड़ की छाया में बड़े चैन से सो रहे हैं। इस दृश्य में खंडोबा महाराज की पूजा हो रही है। पुरातन काल में मनिया और मल्ल दो राक्षस थे, जिनका वध करने के लिए शिवशंकर महादेव ने खंडोबा महाराज का अवतार लिया था। इनको महाराष्ट्र के लोग ग्राम देवता भी मानते हैं और जब इनकी पूजा होती है तो उस जोड़े को बिठाया जाता है जिनकी नई नई शादी हुई है। और यहीं पे खंडोबा महाराज के भक्त भजन कीर्तन कर रहे हैं और यह भजन कीर्तन पूरी रात चलता है, इसीलिए इसे जागरण बोला जाता है। इस जागरण में खंडोबा महाराज का पूरा जीवन चरित्र रात भर गाया जाता है। यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ साईं बाबा जी की पालकी निकाली जा रही है। साईं बाबा का नियम बन गया था, वो एक दिन द्वारका माई में और एक दिन चावड़ी में सोते थे, तो साईं बाबा के भक्त उनको द्वारका माई से चावड़ी ले जाने के लिए ऐसी पालकी व शोभा यात्रा निकालते थे। इस पालकी को भजन कीर्तन गाते हुए ले जाया जाता था और यह पालकी की परंपरा आज भी शिरडी में मान्य है। हर वीरवार शाम 9:15 से 10 बजे तक समाधि मंदिर से लेकर चावड़ी तक साईं बाबा की पालकी निकाली जाती है और पालकी में आपको उसी लकड़ी की छड़ी के दर्शन होंगे जिसे साईं बाबा जमीन में स्पर्श करके अग्नि जलाते थे और जल निकालते थे। एक बार शिरडी के सभी आसपास के गांव में बहुत भयंकर बीमारी आई थी जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। वही बीमारी शिरडी में ना घुसे इसीलिए साईं बाबा ने गेहूं का आटा पीस के पूरे शिरडी की चारों तरफ की बाउंड्री व सीमा में डाल दिया, जिससे पूरा शिरडी गांव व उसके निवासी इस भयंकर बीमारी से बच गए। और मतलब गहरा है, इस हाथ की चक्की का जो पार्ट स्थिर है वह भक्ति है, जो काला पत्थर का पार्ट घूम के गेहूं को पीस रहा है वह मनुष्य का कर्म है, और जो लकड़ी का डंडा इस चक्की को चला रहा है ये ज्ञान के प्रतीक है और चलाने वाले सद्गुरु साईनाथ हैं, जो भक्ति कर्म और ज्ञान से शिरडी गांव के पाप अर्थात गेहूं को इस चक्की में पीस रहे हैं। ये है साईं बाबा की लीला और आज भी बाबा इस शिरडी गांव में किसी भी बीमारी को नहीं घुसने देते। ये है बाबा का गुरु स्थान जहाँ बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं। इस गुरु स्थान पे एक नीम का वृक्ष लगा हुआ है जहाँ साईं बाबा 16 वर्ष की आयु में प्रकट हुए थे। जब गांव वालों ने इस बालक को पद्मासन में ध्यान लगाए नीम के वृक्ष के नीचे बैठे देखा तो बोला कि ये तेजस्वी बालक कौन है। तभी पूरा शिरडी गाँव यहाँ पर इकट्ठा हो गया और बाबा से पूछने लगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और आपके माँ बाप कौन हैं और आप इस नीम के वृक्ष के नीचे क्यों बैठे हो। तब बाबा ने कहा कि ये मेरा गुरु स्थान है। जब गांव वालों को यकीन नहीं हुआ तो बाबा ने इस वृक्ष के नीचे ज़मीन खोदने को बोला, तो जब गांव वालों ने खुदाई की तो वो सब अचंभित रह गए। ज़मीन के नीचे 4 दिए जलते हुए पाए गए, चरण कमल पर सुगंधित फूल, और आज भी यह रहस्य है कि ज़मीन के नीचे इन सारे दियों में तेल कौन डालता है और चरण कमल पर सुगंधित फूल कौन चढ़ाता है। और आज भी समाधि मंदिर में साईं बाबा के गुरु स्थान पर 4 दिए जल रहे हैं और शिरडी में जिस नीम के वृक्ष के नीचे साईं बाबा प्रकट हुए थे उस वृक्ष के पत्ते आज भी मीठे हैं। और फिर यहीं से बाबा अदृश्य हो गए थे और फिर कई वर्ष के बाद शिरडी की बारात में खंडोबा मंदिर के सामने आए थे और वहां के पुजारी महालसापति ने उनका स्वागत और नामकरण किया था। साईं बाबा शिरडी में 10-12 घरों में भिक्षा मांगते थे और भिक्षा में दिया हुआ अन्नदान पशु पक्षी व अनमोल जानवरों को खिलाते थे और जो थोड़ा बहुत बच जाता था तो साईं बाबा जी उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। जिन शिरडी साईं बाबा ने पूरी दुनिया के लोगों को करोड़पति अरबपति बना दिया, भला वो भिक्षा क्यों मांगते थे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि अनजाने में हर मनुष्य के हाथों बहुत सारे पाप होते हैं। जब हम श्वास लेते हैं या खाना खाते हैं तो अनजाने में बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है, तो बाबा भिक्षा के रूप में भक्तों से उनके पाप लेते थे। यहाँ पे शिरडी के टेलर मास्टर बैठे हुए हैं जिनका नाम है काशीराम सिंपे।
बाबा जी के सभी कपड़े यही सिलते थे जो आज भी साईं समाधि मंदिर के म्यूजियम में बड़े संभाल के रखे हुए हैं। साईं बाबा इनसे 2 पैसे दक्षिणा लेते थे तो इनके मन में घमंड आ गया था कि मैं साईं बाबा को दक्षिणा देता हूँ। जैसे ही साईं बाबा को इनके घमंड का आभास हुआ तो उन्होंने इससे और ज़्यादा दक्षिणा मांगना चालू कर दिया और इतनी दक्षिणा मांगी कि यह कंगाल हो गया। बाद में जब इनको एहसास हुआ और इनका घमंड टूट गया और सोचा कि मैं बाबा जी को दक्षिणा देने वाला कौन होता हूँ, तो साईं बाबा ने रातों रात उनकी पहले से भी ज़्यादा तरक्की कर दी। और इन्हीं के सामने दिखाया हुआ एक और जमात को जिनका व्यवसाय टोकरे व जाली बनाना था। ये है साईं बाबा की 106 साल पुरानी द्वारका माई, जहां साईं बाबा अपने ही हाथों से भोजन बना के अपने प्रिय भक्तों को बैठा के खिला रहे हैं। पहले सभी भक्त एकत्रित होकर बाबा की आरती करते थे और फिर बाबा खुद अपने हाथों से सभी भक्तों को भोजन खिलाते थे और उसके बाद बाबा सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में फल भी बांटते थे और इसी बड़ी सी हांडी में बाबा खाना बनाते थे। और जब कभी ये भर जाता था और खाना ओवरफ्लो होने लगता था तो साईं बाबा उसमें हाथ डाल के उसको शांत करते थे। और हर शाम साईं बाबा द्वारका माई में दीप जलाते थे, जिसके लिए वो हमेशा बनिया साहूकार की दुकान से तेल लेके आते थे। तो जब दिवाली आई तो सभी बनिया साहूकारों ने इक्का कर लिया कि कोई भी साईं बाबा को तेल नहीं देगा। उसी दिन लक्ष्मी पूजन भी होता है तो साईं बाबा को किसी भी बनिए ने तेल नहीं दिया तो साईं बाबा द्वारका माई वापस लौट गए। और जब बच्चों ने साईं बाबा से दिए जलाने की जिद की तो साईं बाबा ने द्वारका माई में पानी से ही दिए जला दिए। उधर बनिए सोच रहे थे कि आज देखते हैं द्वारका माई में कैसे दीपक जलेंगे, और उधर बाबा जी के पानी के दिए पूरी रात जलते रहे, जिन्हें देखकर सभी बनियों के होश उड़ गए। ये थी साईं बाबा की लीला। इसी पानी के कुएं से सभी शिरडी वासियों को पानी मिलता था और आज भी यह कुआं साईं बाबा की समाधि मंदिर में मौजूद है। एक बार कुएं का पानी बिल्कुल खारा हो गया था, जो कि पीने लायक नहीं था, तो सभी शिरडी के लोग पानी के बिना परेशान हो गए थे। तो साईं बाबा ने जैसे ही कुएं के अंदर फूल डाला तो सारा खारा पानी मीठा बन गया था। उस शिरडी की सभी महिलाएं इसी तरह इस कुएं से पानी भर के ले जाती थी। आप देख रहे हैं कि एक महिला कुएं से पानी खींच रही है और वहीं दूसरी ओर एक महिला टोकनी भर के पानी ले जा रही है। यह है शिरडी गांव की ग्राम पंचायत, जहां पे शिरडी गांव के सरपंच बैठ के फैसला सुना रहे हैं। देखने से यह कोई घर के मियाँ बीबी के बीच का आपसी मनमुटाव लग रहा है। उस टाइम कोई भी कोर्ट कचहरी में नहीं जाता था, गांव के सरपंच के द्वारा सबको इसी पंचायत में न्याय मिलता था। और ये बैठे हुए शिरडी गांव के मोची, जो पूरे गांव के जूते चप्पल सिलते थे। साईं बाबा हर भक्त और उनके पूरे परिवार के सदस्यों की रक्षा करते हैं। ऐसे ही जब दिवाली के पास धनतेरस का त्यौहार आया तो शिरडी में इस लोहार के घर काम चल रहा था और जिसमें आग की भट्टी भी जल रही थी। कुछ देर बाद इनकी धर्म पत्नी की गोद से इनकी छोटी सी बच्ची आग की भट्टी में गिर जाती है। इस समय साईं बाबा अपनी द्वारका माई में ध्यान में बैठे होते हैं। जैसे ही इधर ये बच्ची आग में गिरती है, उधर साईं बाबा जलती हुई धुनी में अपना हाथ डाल देते हैं तो सभी भक्त बाबा की तरफ भागते हैं और जलती हुई धुनी से उनका हाथ निकालते हैं और कहते हैं कि बाबा आपने अपना हाथ क्यों जलाया। तो बाबा जी बोले कि मैंने तो अपने एक भक्त की सिर्फ आग से रक्षा की है। तो गांव वाले चकित हो जाते हैं और ये सब क्या था, भक्तों को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन दिवाली के कुछ दिन बाद यही परिवार द्वारका माई में आता है और साईं बाबा से कहता है कि बाबा आपकी बड़ी कृपा है हम पे कि हमारी बच्ची आग की भट्टी में गिर गई थी, अचानक से किसी का हाथ आया और हमारी बच्ची को आग से निकाल के सुरक्षित जगह पे रख दिया। तब भक्तों को समझ में आता है कि बाबा जी ने अपना हाथ क्यों जलाया था। ये है उस जमाने का शिरडी हॉस्पिटल, जहाँ के डॉक्टर हैं खुद सदगुरु साईंनाथ महाराज। इस हॉस्पिटल में जितने भी मरीज आते थे, बाबा जी खुद अपने हाथों से उनका इलाज करते थे, जिसके लिए साईं बाबा जड़ी बूटियों से बनी हुई औषधियों का इस्तेमाल करते थे। और इनके कंपाउंडर थे बाबा जी के प्रिय भक्त अब्दुल, जो जड़ी बूटियों को कूट कर दवाई बनाते थे। और साईं बाबा हमेशा बोलते थे कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आए जो बुराई पे तो इंसान बुरा है, और भले ही रूप अनेक है पर सबका मालिक एक है। ये है शिरडी गांव की पाठशाला, जहाँ के मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन मास्टर जी का नाम है माधव राव देश पांडे और बाबा जी ने प्यार से श्यामा पुकारते थे।
श्यामा का साईं बाबा पर अटूट विश्वास था और एक दिन इनको जहरीले सांप ने काट लिया और पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। श्यामा उसी हालत में भागते हुए द्वारका माई में गया। साईं बाबा इनके द्वारका माई पहुँचते ही गुस्से में आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, ऊपर मत चढ़, नीचे उतर, नीचे उतर। तब भी श्यामा द्वारका माई छोड़ के कहीं नहीं गए। थोड़ी देर के बाद साईं बाबा शांत हो गए और श्यामा का जहर भी खत्म हो गया। साईं बाबा ने कहा, श्यामा अब तुम ठीक हो। दरअसल वो जहर श्यामा के शरीर में ऊपर चढ़ रहा था, उसी को बाबा जी बोल रहे थे, ऊपर मत चढ़, नीचे उतर, नीचे उतर। और ये है साईं बाबा के भक्त दास गणु जी महाराज। इनका मुख्य कार्य था बाबा और उनके भक्तों को भजन कीर्तन सुनाना, और इन्होंने बाबा के कई सारे भजन भी लिखे हैं जो आज भी गाए जाते हैं, जिनमें से सबसे मुख्य है साईं रहम नजर करना। ये पहले पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कॉन्स्टेबल थे और अंग्रेजों के साथ मिलके कई सारे दो नंबर के काम करते थे। जैसे ही इनकी मुलाकात साईं बाबा से हुई तो इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और बाबा जी की भक्ति करने लग गए। और जब इन्होंने बाबा जी को बोला कि मैं प्रयाग जाना चाहता हूँ, वहाँ गंगा जमुना जी का स्नान करके अपने पाप धुलना चाहता हूँ, तो साईं बाबा ने कहा कि इसके लिए प्रयाग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो मैं गंगा जमुना यहीं प्रकट कर दूंगा। और फिर साईं बाबा ने द्वारका माई में ही अपने दोनों चरण कमलों से गंगा जमुना निकाल कर इन दोनों नदी का स्नान का पुण्य इनको दिला दिया। ये दृश्य है 15 अक्टूबर 1918 का, जिस दिन 2:30 बजे साईं बाबा जी ने समाधि ली थी। अंतिम समय में साईं बाबा ने लक्ष्मी शिंदे के हाथ में 9 सिक्के दिए थे, जिसका मतलब था भगवान के पास जाने के भक्ति के 9 मार्ग। इन्हीं 9 सिक्कों का दर्शन आज भी शिरडी में लाखों भक्तों को मिलता है। और बाबा जी ने समाधि लेने से पहले सभी भक्तों को एक बात कही कि मैं भले ही शरीर त्याग के चला जाऊं, बट मेरी ये समाधि की धुनी हमेशा भक्तों को आशीर्वाद देती रहेगी, हमेशा जलती रहेगी। और यहाँ एक महिला तुलसी के पौधे के लिए पानी लेके जा रही है। और कुछ इस तरीके की होती थी शिरडी की सब्जी मंडी, जहाँ पे फल, फ्रूट, फूल, सब्जियाँ, हर चीज़ मिलती थी और सभी शिरडीवासी यहाँ पे शाम को सब्जियाँ लेने जाते थे। और ये किसी मनियारी की दुकान है जो एक महिला को चूड़ी पहना रही है, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी है। ये शिरडी गाँव की लड़की है जो शादी होने के बाद इस तांगे में बैठ के अपने ससुराल जा रही है, अपने पति के घर जा रही है। इधर लड़की की आंखों में आंसू है और उधर उसकी मम्मी रो रही है। जब कोई भी शिरडी की लड़की पहली बार शादी के बाद अपने ससुराल जाती थी तो साईं बाबा उसे एक नारियल और साड़ी देते थे, जो सौभाग्य का प्रतीक था। और यहाँ पे शिरडी के किसानों को दिखाया गया है जो हल चला के खेत जोत रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा दृश्य दिखाया गया है कि इस महिला को गाय का दूध निकालना था, बस उससे पहले ही बछड़े ने पूरा दूध पी लिया। तो आप मैया का रिएक्शन देख सकते हैं कि क्या रिएक्शन के फेस पे है अभी। और यहाँ पे शिरडी गांव के बच्चे खेल रहे हैं छुपम छुपाई, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई गेम या फिर टेलीफोन तो होता नहीं था, तो गाँव वाले बच्चे सभी इकट्ठे होते थे और आपस में खेलने लग जाते थे। और अगर आपको शिरडी विलेज घूमते हुए भूख लग जाती है तो यहाँ पे स्टॉल भी बने हुए हैं, और इसके बाद आप शिरडी विलेज में एडवेंचर कर सकते हो, झूले झूल सकते हो। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, जिसकी कोई टिकट नहीं वो आपकी टिकट में इंक्लूड रहेगा। और शिरडी विलेज में आप ट्रेन राइड भी कर सकते हो, बट जिसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जो पर पर्सन 50 रुपये की है। फ्रेंड्स, हम फिलहाल ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी जल्दी राइड करने वाले हैं। भैया आने वाले हैं ट्रेन वाले, जो इंजन के ड्राइवर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा जू भी बनाया हुआ है, बट द मेन चीज़ है कि जो एनिमल्स हैं वो नकली हैं, वो असली नहीं है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, अपने बच्चों को बेफिक्र आप छोड़ सकते हैं इस जू में।
तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, काफी कुछ बाबा के बारे में आपको पता चला होगा कि साईं बाबा अपनी पुरानी शिरडी में कैसे रहते थे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल अनिल पहल पे और आपको नई नई वीडियोज हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को ओम साईं राम।